अब लेखक शरीर विज्ञान के बारे में बताते हैं कि ये जो हमारा जो शरीर है यह किस तरह से सात धातुओं पर टिका हुआ है, और यह जो सात धातु है ये किस प्रकार से हमारे शरीर को कंट्रोल करती है, किस प्रकार से इसका विकास करती है। तो फिर यहाँ पर वह बताते हैं कि जो रस धातु है वह शरीर में तृप्ति और तरावट करता है, रक्त धातु शरीर में जीवन देता है, मांस धातु अवयवों को जोड़ता है, मेद धातु जो है वह चिकनापन देता है, अस्थि धातु जो है वह शरीर को धारण कर रही है, मज्जा जो है वह अस्थियों की नालियों को भरता रहता है। इसके अलावा जो सातवीं धातु जो वीर है यह शरीर का सत्व बताया गया है, प्रजा की उत्पत्ति इसी के द्वारा होती है। आगे वह रस के बारे में कहते हैं कि जो रस है वह लिक्विड फॉर्म होता है, वह भोजन का ही दूसरा रूप है, आमाशय और आंतों में होता हुआ यह मधुर रस बनाता है, मधुर रस बनाता है, प्रवाही होता है, श्वेत होता है, स्निग्ध होता है, और यह जो रस है यह गति वाला होता है, रस वाहिनियों द्वारा सारे शरीर में रहता है। यह जो रस है यह रस वाहिनियों के द्वारा, यह जो रस वाहिनियाँ हैं इनके द्वारा ही सारे शरीर भर में रहता है। मुख्य स्थान इसका हृदय बताया गया है, यह रस सारे धातुओं का पोषण करता है। रस के बाद जो रक्त है, उसके बाद जो मांस है, उसके आगे की जो धातुएं हैं, यह सारी धातुएं जो हैं वह रस के माध्यम से ही पुष्ट होती हैं, इसलिए जो सबसे मेन है वह रस बताया गया है। यह जो रस है यह सारे धातुओं का पोषण करता है, रस के बढ़ने या घटने पर ही शरीर में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। अब यह रक्त के बारे में बताते हैं, रस जब यकृत और प्लीहा में पहुंचता है उस समय यह रस पित्त द्वारा रंगा जाता है और इसी का नाम रक्त होता है, यह संपूर्ण शरीर में रहता है। आगे वह मांस के बारे में बताते हैं, रक्त जब परिपाक होकर घन यानी कि ठोस अथवा सांद्र बन जाता है तब इसका नाम मांस हो जाता है। जो मांस हमारा बन रहा है वह पहले रस बना, रस से फिर रक्त बना, और रक्त जब ठोस हो जाता है तो फिर वह मांस का रूप लेने लगता है, जिसको हम कह सकते हैं कि यह मांसपेशियों के रूप में परिवर्तित हो गया है। बलवान शरीर की जो चर्चा है, बलवान शरीर जो कहने लायक है वह मांस के माध्यम से ही होता है, जिसके शरीर पर ठीक प्रकार से बना हुआ जो मांस है वह शक्तिशाली मांस होता है, ऐसा कह सकते हैं कि यह पुरुष जन्म से ही शक्तिशाली है। इसके अलावा मेद, मांस के पुष्ट होने से जो मेद है वह बनता है, और इस मेद के द्वारा जो है वह शरीर में स्थूलता आती है। मेद के बाद अस्थि, शरीर का ढांचा इसी से बनता है, जब मेद पुष्ट हो जाता है तब अस्थि बनती है, और जो अस्थि जो है वह बहुत ही स्ट्रांग होती है। आप देख सकते हो कि ये जो सात धातु हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, इस तरह से यह जो सारी धातुएं हैं यह हमारे शरीर को बैलेंस करती हैं। इसके बाद मज्जा, अस्थियों के पुष्ट होने से मज्जा बनती है, अस्थियों के अंदर यह जो है मज्जा भरा हुआ होता है और इसका रंग गुलाबी सा प्रतीत होता है। इसके बाद अंत में आती है शुक्र धातु, शुक्र मज्जा के परिपाक से बनता है, और यह जो सारभूत जो है यह शुक्र होता है, शुक्र के बाद जो है वह ओज बनता है, और जो भोजन से जो पूरी जो प्रक्रिया है वह वीर पर आकर रुकती है यानी कि शुक्र पर आकर रुकती है, और ये जो सारी धातुएं हैं ये हमारे शरीर को बैलेंस करती हैं, पुष्ट करती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं, शरीर की चमक बढ़ना, शरीर की चमक कम हो जाना, मांसपेशियों का कम हो जाना, कमजोरी आना, यह इन धातुओं पर ही निर्भर करता है। यह जो धातु हैं यह शरीर को बैलेंस करती हैं, लेकिन यह भोजन के माध्यम से बैलेंस करती हैं, इसलिए इस हमारे अन्नमय शरीर की पुष्टि के लिए अन्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तक में कहते हैं कि ये जो रस हैं इनमें भी मल शामिल होता है, मतलब कि इनका भी एक विस्तृत रूप होता है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो रस है उसका जो मल कफ होता है, रक्त का जो मल है वह पित्त है, और जो मांस का जो मल है वह जो कान से निकलने वाला जो मल है, जो गंदगी है, वह मांस का मल है। मेद जो है वह पसीना के रूप में बाहर निकलता है, अस्थि जो है
वह नाखून और केश के रूप में बाहर निकलता है। जो मज्जा है, मज्जा की जो गंदगी होगी वह हमारे आंखों के माध्यम से बाहर निकलती है। सुबह जब उठते हैं तो आंखों से जो हमारे गंदगी निकल रही है यह मज्जा की वजह से निकल रही है। मज्जा की जो गंदगी है वह आंखों से निकलती है। जो मेद की जो गंदगी है वह पसीने के माध्यम से निकलती है। और अंत में जो शुक्र धातु है इसका कोई मल नहीं होता है। यह एक परफेक्ट फॉर्म होती है। इसके अलावा इसमें कोई गंदगी होती ही नहीं है। वह तो हम अपने विचारों के माध्यम से वीर को शुक्र को गंदा करते हैं। हालांकि इसमें कोई गंदगी होती ही नहीं है जो बाहर वेस्टेज के रूप में निकले। इसके अलावा जो स्वास्थ्य शिक्षा जो है या जो शरीर विज्ञान है इसमें और भी बहुत कुछ बताया गया है कि मांसपेशियाँ क्या होती हैं, टेंडन्स क्या होते हैं, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, हृदय की कार्यविधि क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा की गई है। लेकिन मैं इनको आपको बहुत ही डिटेल में करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। जितना अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा उससे अच्छी तरह से उस YouTube की वीडियो में बताया गया है। इसलिए यदि आपको इन सारी कार्यविधियों को जानना है, फेफड़ों की कार्यविधियों को जानना है, तो फिर आप वहां से जाकर देख सकते हो और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जो बताया गया था वह मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा करके बता दिया है क्योंकि मैं उन चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जो हर कोई नहीं बताता हो। जिस जानकारी की अभाव हो, जिस जानकारी की कमी हो, मैं उस जानकारी को बताना चाहता हूँ। इसके पीछे के जो पहलवान थे इनके बारे में शायद किसी ने कम ही वीडियो बनाई हो। इसलिए मैं इन वीडियो को इसलिए बनाता हूँ ताकि और व्यक्ति जो है वह इन पहलवानों के बारे में जाने। हालांकि जो शरीर की जो कार्यविधि है इसके बारे में तो एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। इस पुस्तक है इसमें ब्रह्मचर्य के बारे में भी बताया गया है कि जो ब्रह्मचर्य है यह हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंट को देखते हुए ही यहाँ पर ब्रह्मचर्य की चर्चा करी गई है।